डॉलर पिछले 80 सालों की सबसे शक्तिशाली करेंसी अपने अंत की तरफ बढ़ चुकी है और दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव जब पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का रीसेट होगा तो वो आखिर किस प्रकार से होगा और पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मार्च 2022 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई है जिसने सभी एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया। डॉलर जो कि इस समय ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, बहुत ही जल्द उसे रिप्लेस कर सकती है चाइना की करेंसी युआन और कुछ और करेंसीज, ऐसा आईएमएफ ने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में कहा, जिसका सीधा अर्थ है कि चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पावर बन के आपके सामने खड़ा हो सकता है। It is a first in U.S. history, and it's not a good one. The national debt of the United States has exceeded $30 trillion for the very first time. Important essay on the collapse of the U.S. dollar. America's clearly China's trade balance is just so enormous. The surpluses have just surged during the pandemic, so that provides. इसका बहुत बड़ा प्रभाव हर इंडियन पर पड़ने वाला है। भविष्य की सरकारें क्या डेमोक्रेटिक ही रहेंगी या चाइना की तरह कम्युनिस्ट हो जाएंगी? और ग्लोबल एलिट्स जैसे कि बिल गेट्स, ब्लैक रॉक, जॉर्ज सोरोस, वैनगार्ड और बिग टेक जायंट्स, जिनकी पॉलिसी से पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस होता है, उन लोगों का इस बड़े इकोनॉमिक रीसेट के बाद इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चलिए समझते हैं एकदम बेसिक से कि आखिर एक्सपर्ट्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉलर का अंत बहुत नजदीक है। मार्च 2022 को सऊदी अरेबिया ने यूएसए को धमकी दी कि वो अब अपना क्रूड ऑयल डॉलर के अलावा चाइना की जो युआन करेंसी है उसमें भी बेचना शुरू करेंगे। सऊदी अरेबिया की ये धमकी बहुत ही ऐतिहासिक साबित हो सकती है। आप ध्यान से समझिए, 1970s के बाद से पेट्रोडॉलर सिस्टम का इजाद हुआ। पेट्रोडॉलर सिस्टम यानी कि किसी भी कंट्री को अगर सऊदी अरेबिया या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ओपेक कंट्री से तेल खरीदना होता है तो तेल के बदले दिए जाते हैं डॉलर, यानी कि सभी कंट्रीज के पास डॉलर होने चाहिए क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। और ऑयल कितनी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है आप इस एक वाक्य से समझिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खरीदी बेची जाती है यानी कि मोस्ट ट्रेडेड कॉमोडिटी वो है क्रूड ऑयल। ठीक, इसकी एनुअल ट्रेड वैल्यू है करीब 14 ट्रिलियन डॉलर, और 14 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है, पूरे यूरोप की जीडीपी जिसमें इतनी सारी कंट्रीज आ जाती है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके एट्सेट्रा, उस पूरे यूरोप की जीडीपी 2021 में थी 17 ट्रिलियन डॉलर। वैसे इंडिया की जीडीपी 2021 में थी 2.7 ट्रिलियन डॉलर। तो यूएस की जियोपॉलिटिकल हेजेमनी बनाए रखने के लिए पेट्रोडॉलर सिस्टम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय पर 80% जो ग्लोबल ऑयल ट्रांजैक्शंस होती है वो केवल डॉलर में ही होती है। तो पेट्रोडॉलर सिस्टम अगर वीक हो जाता है तो डॉलर का एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल रिजर्व करेंसी का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी जो सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में होल्ड करते हैं, और यही वो करेंसी होती है जो मेजरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा, इन सब के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी वर्ल्ड वॉर वन के बाद से इस्टेब्लिश हुई है डॉलर। अब इससे हम ये समझे कि अगर आप में से किसी को भी अपना देश बनाना है और उसको रैंक वन पहुंचाना है तो कुछ जुगाड़ लगाकर क्रूड ऑयल या फिर कंटेम्प्रेरी एनर्जी सोर्स जो है वो आपके देश की करेंसी में ट्रेड होना चाहिए, तो स्वतः ही आपका देश टॉप पर पहुंच जाएगा। आईएमएफ का डेटा देखें तो 2022 में 55% वर्ल्ड रिजर्व्स है डॉलर में और 2.48% वर्ल्ड रिजर्व्स है युआन करेंसी में। आप ये ग्राफ देख सकते हैं। अब दोस्तों, चाइना जो है वो बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, और सऊदी अरेबिया का 15% जो एक्सपोर्ट है वो चाइना पर ही जाता है, और अब चाइना अपनी ही करेंसी में ऑयल का ट्रेड कर सकता है, इसके पूरे चांसेस बन चुके हैं।
साथ ही चाइना ने रशिया के साथ $400 बिलियन की एक बहुत ही बड़ी डील फाइनल करी है गैस के लिए, जिस कारण उसकी US डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो और भी घट गई है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर इंडिया को क्रूड ऑयल रुपए में मिल जाता तो इंडिया अगले कुछ ही सालों में ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये पावर है पेट्रोल बैक्ड करेंसी की। जब तक ग्रीन इकोनॉमी नहीं हो जाती फिर डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। और अब इस रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे डॉलर और भी ज़्यादा थ्रेट में आ गया है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। USA ने रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे कि रशिया को स्विफ्ट से बैन कर देना, स्विफ्ट जिसके अंदर 11,000 मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं और जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शन संभव हो पाता है, तो स्विफ्ट से रशिया को बैन कर दिया है USA ने। और इतनी बड़ी लिस्ट है सैंक्शंस की कि इस समय पर यह कहना सही है कि रशिया को कट ऑफ कर दिया गया डॉलर रिजर्व से। Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. अब USA ने ये सही किया या गलत ये अलग इशू है, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि बाकी सारी कंट्रीज बहुत ही सतर्क हो गई हैं और US के इस स्टेप को एक डिक्टेटोरियल स्टेप की तरह देखा जा रहा है। अब आप ये अगला वाक्य ध्यान से सुनिए। किसी भी करेंसी की शक्ति होती है उसकी स्टेबिलिटी, और रशिया पर सैंक्शंस लगते ही अलग अलग देशों को डॉलर की स्टेबिलिटी पर शक हो गया है। और इस डॉलर और स्विफ्ट को बाईपास करने के लिए बहुत सारी कंट्री स्वैप लाइन अग्रीमेंट सेटअप कर रही है, यानी कि दो देश आपस में ट्रेड कर सकते हैं बिना डॉलर के। इसलिए सऊदी अरेबिया की ये स्टेटमेंट कि वो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए चाइना की युआन करेंसी में डील कर सकते हैं, इससे पेट्रो डॉलर सिस्टम की डेथ नज़दीक दिख रही है। आप ये देखिए, US के जो डॉलर रिजर्व दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स होल्ड करते हैं वो पिछले 25 सालों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है 2020 में। 1975 में 84% था और वो 2020 में 59% पर पहुंच गया है। आप एक ग्राफ में देख सकते हैं, ब्लू लाइन है डॉलर की, वो कैसे घटती जा रही है। लेकिन इसे केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग समझिए। US अपनी डॉलर की डोमिनेशन बरकरार रखने के लिए पहले भी बहुत सारे देशों को ध्वस्त कर चुका है, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये नहीं होने देता कि डॉलर के अलावा किसी भी और करेंसी में ऑयल का ट्रेड हो। और ये हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि लिबियन वॉर और सद्दाम हुसैन का जो केस है, ये स्पष्ट सबके सामने आ चुके हैं। और अगर US ऐसा एग्रेसिव ना होता तो आज श्रीलंका की जो हालत है वो उनकी 1971 में ही हो चुकी होती। आपको बहुत ही सरल भाषा में सब समझाते हैं कि आखिर USA अपने इस डॉलर को अभी तक कैसे बरकरार रख पा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखते जाइए। वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है। ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसमें IMF और IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुए थे। और इस 1944 से कुछ ही समय पहले दुनिया का 2/3 गोल्ड अकेले USA के पास आ चुका था। तो इस कॉन्फ्रेंस में डॉलर को एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है और साथ ही इस्टेब्लिश किया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब अगर किसी भी इंसान के पास डॉलर बिल है तो वो US के फेडरल बैंक के पास जाकर उनसे डॉलर के बदले गोल्ड मांग सकता है। इसे कहा जाता है डॉलर फ्रीली कन्वर्टेबल इंटू गोल्ड। लेकिन 1971 में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वियतनाम वॉर में US सरकार का इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है जिस वजह से धड़ल्ले से US नोट्स की प्रिंटिंग की जाती है और इससे होती है इन्फ्लेशन। अब इस क्राइसिस टाइप सिचुएशन में लोग भागते हैं US के फेडरल बैंक और सब अपने डॉलर के बदले डिमांड करते हैं गोल्ड, ठीक जैसे कि लोगों को वादा किया गया था। लेकिन बहुत ही जल्द US की सरकार को रियलाइज़ हो चुका था कि गोल्ड के रिजर्व ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि वो लालच में आकर ऑलरेडी ज़्यादा नोट छाप चुके थे और असलियत में इतना गोल्ड उन पर था ही नहीं। जिस दिन USA ने उसके पास रखे गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा पहला डॉलर बिल प्रिंट करा था उसी दिन सारी दिक्कत शुरू हो गई थी। तो अब वो क्या करें, अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर करें या फिर बुद्धि चलाएं? तो 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मीडिया के सामने आते हैं और एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years,
There's been an average of one international monetary crisis every year. कि आज से डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड का इस दिन अंत हो जाता है और ब्रेटन वुड सिस्टम का भी एंड हो जाता है। तो अब डॉलर को कैसे बरकरार रखा जाए? तो उस समय के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया के साथ कुछ सीक्रेट डील्स करी, जो अभी तक किसी को भी नहीं पता कि कैसे संभव हुआ। और उसका निष्कर्ष ये निकला कि सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज अब जिसको भी तेल बेचेंगे तो सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे। और बस यही सामने आया था कि ट्रेजरी बॉन्ड्स के बदले ये डील फाइनल हुई है। ये रीज़न किसी भी एक्सपर्ट को आज तक समझ में नहीं आया है। तो इस प्रकार से अभी आप समझ पाए कि डॉलर कैसे अपनी डोमिनेशन कायम रख पाया है। अब जब दिख रहा है कि युआन रिप्लेस कर सकता है डॉलर को, तो ये एलीट्स ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक रॉक, जो दुनिया की मोस्ट डोमिनेटिंग एसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, जो 10 ट्रिलियन डॉलर के एसेट को मैनेज करती है, ये 10 ट्रिलियन डॉलर दुनिया के हर देश की GDP से ज़्यादा है, चाइना और USA के अलावा। अब ये ब्लैक रॉक पहली ऐसी विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी जिसको चाइनीज प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया चाइना में म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने का। अब आप लोगों पर जो पैसा आता है आप उससे सोना खरीद लेते हो, लेकिन जो वर्ल्ड के एलीट हैं उन पर पैसा आता है तो वो अपना पैसा देते हैं ब्लैक रॉक को। क्यों? क्योंकि ब्लैक रॉक के पास है अलादीन, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म अलादीन, इसने प्रिडिक्ट करा है कि चाइना में इन्वेस्टमेंट इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है। और इसी वजह से ब्लैक रॉक ने ग्लोबल एलीट्स का पैसा लेकर एनवायरनमेंट को बचाने वाला जो उनका प्रोजेक्ट है, यानी कि ESG, उसके 25% अमाउंट केवल चाइना में ही इन्वेस्ट कर दिया है। और ब्लैक रॉक वो कंपनी है जिसके बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सच में ब्लैक रॉक दुनिया ओन करती है। आप इस एक प्रश्न से ही इस कंपनी की शक्ति समझ सकते हैं। अगर युआन रिप्लेस करती है डॉलर को, तो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर स्ट्रगल है उसमें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज चाइना को ओपनली सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकती है। और जो चाइना और इंडिया के बीच में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर जो इशू है, क्योंकि चाइना ने POK रीजन में बिना इंडिया की सहमति के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, तो अगर चाइना एक पावरफुल इकोनॉमी बनकर उभरती है तो इंडिया को इस इशू पर भी दबाया जाएगा। इसके साथ पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है चाइना से, तो पाकिस्तान को भी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा अगर युआन लीडर बन गया। और इसके अलावा इंडिया को ना चाहते हुए भी चाइना की करेंसी सिग्निफिकेंट अमाउंट में अपने फॉरेक्स रिजर्व में होल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ग्लोबली इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, और चाइना की कम्युनिस्ट सेटअप इसे मंजूरी नहीं देता। तो USA चाइना की युआन करेंसी के साथ साथ जो कम्युनिज्म के आइडियाज़ हैं उसका स्प्रेड होने देगा, ये तो देखने वाली बात है। अभी के हिसाब से काफ़ी लोगों को ये बहुत मुश्किल दिख सकता है। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि वाकई में चाइना की करेंसी वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी, या फिर ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट की वजह से ऑयल की पावर घट जाएगी और ऑटोमेटिकली चाइना की पावर इतनी नहीं बढ़ेगी जितना प्रिडिक्ट किया जा रहा है, या फिर तीसरी चीज़, चाइना की कम्युनिस्ट रिजीम और एक्सट्रीम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस चाइना की सॉफ्ट पावर को इतना कमज़ोर कर देती है कि कोई भी देश चाइना के युआन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं और कोई भी फॉरेन कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करने को इच्छुक होगी नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।